निवेदिता। गाने किसी भी फिल्म की जान होते हैं। फिल्में तो लोग एक या दो बार ही देखते हैं, लेकिन ये गाने ही होते हैं जिन्हें लोग जब भी जी चाहे गुनगुना लेते हैं। बस वो गाना मनपसंद का हो और हालात से मेल खाता हो। बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में आई और एल्बम हिट हुए हैं जिनके गानों ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनकर लोग जार जार रोने लगते हैं। ऐसा ही एक गाना साल 1982 में आया था जिसे सुनकर सिनेमा हॉल में बैठे लोग रोने लगे थे। ये गाना गाया था मशहूर संगीतकार खय्याम साहब की पत्नी जगजीत कौर ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1982 में रिलीज हुई फिल्म बाजार की, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, फारूक शेख, सुप्रिया पाठक जैसे दमदार कलाकार थे। जितने बड़े कलाकार उतने ही बड़े खयाम जैसे संगीतकार, और जगजीत कौर, लता मंगेशकर, भूपेंद्र सिंह, तलत अजीज जैसे गायक किसी एक फिल्म से जब इतने महान कलाकार जुड़े हों, फिर तो फिल्म हिट होनी ही थी और हुई भी। कहते हैं इस फिल्म के जान थे गाने जिसे लोग आज भी गुनगुनाते हैं। फिल्म में 5 गाने थे, सभी एक से बढ़कर एक। इसी में से एक गाना था देख लो आज हमको जी भर के, जिसे संगीत से पिरोया था खय्याम साहब ने, तो वहीं आवाज दी थी उनकी पत्नी जगजीत कौर ने। जगजीत कौर ने अपने करियर में बहुत कम गानों को आवाज दी। जिन गानों को आवाज दी वो गाने आज भी हिट हैं। उनमें से एक गाना फिल्म बाजार का देख लो आज हमको जी भर के भी है। खय्याम साहब बताते हैं, जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा हॉल में जो भी आता था वो बिना रोए नहीं जाता था। इस गाने में इतना दर्द था कि लोगों की आंखों में आंसू ला देता था। एक इंटरव्यू में खय्याम साहब ने इस गाने के बारे में बताया था कि जो गाना जगजीत कौर ने गाया जब वो फिल्म के बैकग्राउंड में आता था, तो हॉल में बैठी महिलाएं इस गाने को सुनकर धुसकियां मार मार कर रोने लगती थी, और जो युवक पिक्चर देखने आते थे उनके जार जार आंसू बहने लगते थे। देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं फिर मर के। इस गाने के एक एक शब्द लखनऊ के अजीम शायर मिर्जा शौक की कलम से निकले हैं, जो आज भी लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। मिर्जा शौक ने एक मशहूर किताब लिखी है मसनवी, उसी की एक कहानी है इश्किया, जहां से इस गाने की लिरिक्स ली गई है। मिर्जा शौक की लिखी मशहूर मसनवी किताब के बारे में कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस किताब पर बैन लगा दिया था, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद प्यार करने वाले लड़के लड़कियां खुदकुशी करने लगे थे। खुदकुशी के सबसे ज्यादा केस यूपी में सामने आए, जिसके बाद अंग्रेज हुकूमत को किताब पर बैन लगाना पड़ा। यहाँ तक इसको गाने पर भी बैन लग गया था। बाद में जब भारत सरकार की हुकूमत आई, तब जाकर इस किताब से बैन हटा। बाजार फिल्म में इसके अलावा दिखाई दिए यूं कि बेखुद की आस करोगे यार तो हर बात याद आएगी, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, चले आओ सैया जैसे खूबसूरत गाने हैं जो आज भी लोगों के दिलों के बहुत करीब हैं।